हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो असी कर रहे थे स्ट्रेट लाइन, सारा करवा दिता मैं स्ट्रेट लाइन, उदे मास्टर गेट दे क्वेश्चंस भी अपलोड हो गए। हुन जिहड़ा लास्ट हैगा दैट इज असी कुछ किदे प्रैक्टिस, दिस इज आवर लास्ट वीडियो ऑन द स्ट्रेट लाइन, सिर्फ प्रैक्टिस करने है कुछ किस्म, ठीक है। तुसी स्क्रीनशॉट लेके खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, उस तो बाद मैं ता करवाई देती, ठीक है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन ट्राई दिस सम। सो हुन असी क्वेश्चंस देख रहे हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेक मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एक लाइन है उसकी स्लोप पता करनी जिहड़ी 30 डिग्री का एंगल बना रही विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ना कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। दैट मीन्स पिछो भी तुम पता ना स्लोप लई तां हमेशा एंगल कितना देखना हुंदा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ना स्लोप वाली मैं कराया सी स्लोप दे विच की हुंदा द एंगल फॉर्मड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बट इन्हें वाई ना दसिया 30 डिग्री इस लाइन का, असि इस लाइन की स्लोप पता करनी, मैनू इस स्लोप लई की देखना पड़ना पूरा एंगल देखना पड़ना। इतने तक तो दिता है 30, सानू पता है एंगल किन्ने दा 90। सो 90 प्लस 30 किन्ना हो जाएगा 120, ठीक है। सो स्लोप की आ जाएगी टेन 120 डिग्री। सो इन मैं की लिख सकती हूँ टेन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। टेन 180 माइनस 60 की हो जाएगी माइनस टेन 60, क्योंकि 180 जिथे जावे अपना स्क्वाडेंट है नहीं गा ए वाला, ठीक है। सो माइनस टेन 60 दैट इज माइनस अंडर रूट 3 की आ जाएगा तुहाडे कोल आंसर। नेक्स्ट सम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पॉइंट दिस एंड दिस जेडे तिने पॉइंट होते हैं कोलिनियर हो जाए, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोलिनिटी, मतलब कि तिने पॉइंट सेम लाइन ना सेम कोलाइन एक कोलिनियर हो गए एक्स माइनस 1, 2, 1 एंड 4, 5। दैट मीन्स इथो इतने स्लोप, इथो इतने स्लोप की रहेगी सेम रहेगी, करवाया हुआ तुम चीज ए वाली। सो स्लोप एदी कर लो, एदी कर लो, स्लोप होंगी वाई टू माइनस वाई वन, पॉइंट सही लेना वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुहाडे को एक्स का आंसर आ जाएगा। इन्हें इधर मल्टीप्लाई कर लोगे 4, 4 2 8 माइनस 4x, 4x इक्वल टू 4 इम्प्लाइज टू एक्स इक्वल टू 1। कि जे एक्स की वैल्यू 1 हो जाए पॉइंट की हो जाएंगे कोलिनियर। कोलिनियर की सीधी कंडीशन आ गई, तुम ए वाली स्लोप जी इक्वल कर देनी, यानी ए वाली स्लोप ए वाली सेम स्लोप चाहिए, देख लो उधर ही पता लगता कोलिनियर मतलब सेम लाइन दे विच है। सो कीता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 y एदी स्लोप एदी चेक कर ली y2 माइनस, दस मैं जो पॉइंट दे देवा ए बी सी तो स्लोप ऑफ इथे ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, क्लियर। उथे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा दी। सो 2 आ गया 2 माइनस एक्स, 5 माइनस एन 4, 4 माइनस 2 2 मल्टीप्लाई कर दी, देन वी गेट्स अवर आंसर x इक्वल टू 1। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट देन असि नेक्स्ट सम कर। नेक्स्ट सम इज फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब असि एंगल के पता करना एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन मान लो पॉइंट ज्वाइन करके बनी पॉइंट है कि 3, -1, ठीक है। देखो जिदा मान लो जो मैं लाई लवा तो पॉइंट 3 कितने को होगा, इतने माइनस 1 इतने की, यानी एक पॉइंट ए 3, -1 एंड 4, -2 ठीक है। सो असी पता करना है कोई लाइन कह रहे हैं एंगल पता करना बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड ए वाली लाइन दे विच, क्लियर। तुसी उते पेपर जिदा मर्जी बना लेना,
एंगल पता करना है सानू लाइन गिवन है अच्छा लाइन की इक्वेशन पता कर ही सकते दो पॉइंट्स गिवन ए वाले जेडे सानू दो पॉइंट्स गिवन आना तो मैं इक्वेशन भी पता कर सकती एंगल पता करना स्लोप पता कर सकती हूँ स्लोप की होंगी स्लोप एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इतनी पता करते स्लोप इस लाइन की क्योंकि लाइन के पासिंग पॉइंट दिते हैं थ्री कॉमा माइनस वन एंड फोर कॉमा जो पासिंग पॉइंट गिवन हो स्लोप असं आराम ने पता कर सकते स्लोप की होंगी वाई टू माइनस वाई वन माइनस टू माइनस माइनस प्लस वन हो गया अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एंड स्लोप इतो कि आ गई स्लोप के इक्वल टू होंगी टेन थीटा ए भी पता जी मैं एंगल थीटा मान लवा टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन आ गया साढ़े को क्योंकि फोर इतने साढ़े को फोर माइनस थ्री का वन होंगे उपर माइनस टू प्लस वन कि हो गया माइनस वन हम टेन थीटा की वैल्यू वन किन्ने ते होंगी है क्योंकि साढ़े को टेन थीटा दैट इज इक्वल टू कि आया माइनस वन ठीक है सो आ एंगल असी पता करना इतो थीटा सानू पता जे आप फोर्टी फाइव ते लईए टेन फोर्टी फाइव टेन फोर्टी फाइव के इक्वल टू हों वन ठीक है बट मेनू इतने की चाहिए माइनस वन हूँ देखो टेन वन एटी डिग्री माइनस फोर्टी फाइव डिग्री की आ जाएगा माइनस टेन फोर्टी फाइव डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा यानी टेन वन एटी माइनस की करोगे फोर्टी फाइव दैट मीनस साढ़े को आ जाएगा वन थर्टी फाइव ये चीज ट्रिग्नोमेट्री दी हाँ मैं माइनस वन एंगल बनाना मैं किदा बना सकती हूँ वन एटी माइनस फोर्टी फाइव यानी कि इस चीज में मैंने इतना लिखना पड़ना टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 180 माइनस 45 डिग्री क्योंकि इन जो मैं सोल्व किया मेरे को आया माइनस वन सो टेन टेन कैंसल हो जाएगा थीटा कि आ जाएगा 180 माइनस 45 ठीक है टेन फाइव सेवन फोर थ्री एंड 135 सो हेयर एंगल कि आ जाएगा 135 सो 135 एंगल होगा बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग दिस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट देन असि अपना अगला सम कर नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट जीरो टू मेकिंग एन एंगल टू पाई बाय थ्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट बिलो द अर्थ ओके फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट जीरो एंड पास कर रही है पॉइंट जीरो टू लेट्स से दिस इज जीरो एंड टू जीरो टू चो कोई लाइन पास कर रही है एंगल बना रही है टू पाई बाय थ्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंगल कितना पा रही है टू पाई बाय विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पहला तो इन्नी चीज पता कर दे आपा इस लाइन की इक्वेशन की होंगी है स्लोप भी गिवन हुए पॉइंट्स गिवन हुए वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप स्लोप आ गया इतो टेन टू पाई बाय थ्री ना के आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन यानी आ गया वाई माइनस टू इक्वल टू टेन टू पाई बाय थ्री यानी टू इंटू वन एट्टी बाय थ्री ना के आ गया एक्स यानी कि वाई माइनस टू इक्वल टू की आ गया साढ़े को टेन वन ट्वेंटी एक्स ए वाली चीज आ गई साढ़े को एक्स माइनस जीरो एक्स रह गया y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप स्लोप कितना कट दी टेन थीटे थीटा सानू एंगल दिता उन्हें टू पाई बाय थ्री हूँ टेन तुसी 120 की वैल्यू कढ़नी कितना लिख सकते हो इन मैं लिख सकती 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकती y माइनस टू टेन 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा माइनस टेन 60 यानी कि y माइनस टू टेन 60 कितना होता अंडर रूट थ्री सो इतो आ गया इन इधर ला जाओ इम्प्लाइज टू इस लाइन की इक्वेशन की आ गई अंडर रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो इतना क्लियर होया पहला उन्हें पहला यह पूछा एक लाइन की इक्वेशन दसो जीडी इना पॉइंट चो पास कर दी है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ना कितना एंगल बनाती है टू पाई बाय सो पहला तो असि इना सोल्व कर लिया तो साढ़े को आ गया अंडर रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो क्लियर सो
इन मैं रब कर देनी है क्योंकि अगे इना असि काम कर लिया अगे की फाइंड आउट करने कह रहा सानू ऑलसो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैलर टू इट ए ही पैलर कोई लाइन आ जेडी क्रॉस कर रही है वाई एक्सिस नो एट अ डिस्टेंस टू यूनिट बिलो द एज ओरिजन तो आ ओरिजन है 0 0 एक तो टू यूनिट बिलो कितना हो गया 0.0, -2 ठीक है ये बिलकुल पैलर इदा कट दी हुई जा रही उन्हें बोलिया इस लाइन की इक्वेशन पता करनी जिहड़ी इहदे बिल्कुल पैरेलल है ते ए पॉइंट चो पास कर रही है ओरिजन तो कहिंदा 2 यूनिट बिलो नीचे नीचे नु आवांगे 2 यूनिट माइनस 2 हो गया क्लियर सो तुहानू पैरेलल दी बनानी दसी है किदां हुंदी सेम हुंदी बस की आ जांदा नाल ए पासिंग पॉइंट की है जो पास कर दिए तो के दी वैल्यू निकल जानी इन 0 ते 2 माइनस 2 चो पास करा दो वाई माइनस 2 प्लस के इक्वल टू 0 ते के इक्वल टू किन्ना आ गया 2 एक एरी वैल्यू 2 ऐसे पुट कर देनी होता है आंसर पैरेलल दीदी बनानी सिखाई हुई है ना सो इतना ही कॉन्सेप्ट यूज होने दिस इज योर आंसर लेट्स टेक स्क्रीनशॉट फॉर द नेक्स्ट सम कर दे नेक्स्ट इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजन टू द लाइन ओरिजन तो कोई परपेंडिकुलर लेट्स सी दिस इज द ओरिजन ले लेने अपन 0 0 ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਆ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੀਟ ਐਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਦਾ -2, -90 ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ y-y1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਲੋਪ ਸਲੋਪ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ y2 - y1 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ y2 - y1 ਅਪੋਨ x2 - x1 ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੂੰਗੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ x1 y1 ਲੈ ਲੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ x2 y2 ਲੈ ਲੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ y-y1 = slope ਸਲੋਪ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ y2 - y1 / x2 - x1 / x-1 ਨਾਲ x - x1 ਸੋ ਆ ਗਿਆ y = 9 - 2 × x ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ (implies) 9x ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਾ -2y ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ +2y ਬਣ ਜਾਏਗਾ (=0) ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ 9x + 2y = 0 ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ -2 ਤੇ 9 ਸੋ ਆ ਗਿਆ -2y = 9x ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9x + 2y = 0 ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ +a = 0 ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ -2 9 ਇਹ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਾ ਦੋ 2 × -2 -9 × 9 +k = 0 2 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ -4 -81 +k = 0 ਤੋਂ k ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 85 ਇਹ 85 ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਸਟਰਬੇਟਰ ਸਮ ਆ ਇਸੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਇਹ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਟੂ ਦਿਸ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਮ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ If a P is the length of perpendicular from origin to a line, then A square, P square and B square are AP. Then prove that A the power 4 plus B the power 4 equal to 0. Paper sanu prove that nahi likhega na char option de then kedi condition hold kare da ek sum siga wait karda na. If P is the length of perpendicular from origin to a line,
लेट्स से दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द लाइन, लाइन का लिखी हुई है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट गिवन होन ते सानू लाइन गिवन होवे किद्दा लेंथ कढ़दे होंगे परपेंडिकुलर दी, ए मैं अलग वीडियो च कराई हुई है लेंथ किद्दा कढ़दे परपेंडिकुलर। ए पॉइंट्स उदों ते लाइक रलदे होंगे आ, तो आ जाएगा इन्हू सही करके ले लो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी माइनस वन इक्वल टू जीरो। जो पॉइंट लाइक कराते भी जीरो बन जाने, भी जीरो बन जाने, इतने की बच जाना सिर्फ माइनस वन। नीचे की होंगे कॉफिशियंट एक्स का स्केयर प्लस कॉफिशियंट वाई का स्केयर, दैट मीनस आ गया वन अपॉन ए वन अपॉन ए स्केयर वन अपॉन बी स्केयर, ये आ गया अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये उपर जाके बन जाएगा ए बी। क्लियर, इतने तक क्लियर होया। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सब तो पहला मैं कटी पी, पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, उन्हें बोलिया पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कि आ गई पी आ गई ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। इन्ना स्क्रीनशॉट ला लो फिर मैं अगे कराना। सो ये साडे को वैल्यू आ गई पी दी, ए आपां सेपरेट लिख लैने आ, पी दी वैल्यू साडे को आ गई ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। मेनू इच कल वैल्यू जिहड़ी पी स्केयर जिहनूं मैं स्केयर कर दवां इंप्लाइज टू पी स्केयर किन्ना आ जाएगा ए स्केयर बी स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर। मेनू बोल रहा ए स्केयर पी स्केयर ते बी स्केयर, ए स्केयर कॉमा पी स्केयर कॉमा बी स्केयर आर इन ए पी, एक आ चा ए पी च। क्लियर, जे एपी चा तो एपी की कंडीशन की होंगी है सेंटर वाला जिहड़ा होंदा आ वो इक्वल टू होगा इन्हां दे अरिथमेटिक मीन दे इक्वल टू इदी होंदा। क्लियर, पी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर अपॉन टू होएगा, पी स्केयर की वैल्यू वो पाएगा पुट कर देने हैं ए स्केयर बी स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर अपॉन टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी आ जाएगा साडे कोल टू ए स्केयर बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर दा होल स्केयर। सो आ जाएगा टू ए स्केयर बी स्केयर इक्वल टू इतने ए प्लस बी का फॉर्मूला ला दो ए दी ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर का स्केयर करेंगे फोर प्लस टू ए दी, ए चीज तो कट हो जाएगी सो इतों की आ गया ए दी फोर प्लस बी दी फोर इक्वल टू जीरो। फिर जी एदा का भी सम आ जाए कोई टेंशन नहीं लैनी है, सिंपल जो उन्हें कंडीशन की लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजन टू लाइन आप कढ़ ली, अगे उन्हें क्या एपी चा एपी ने सू कंडीशन पता है, जो नहीं पता जो मैं एपी वाला करवाना तो आराम ना हो जाएगा। ए पी एक बहुत शॉर्ट टॉपिक आ, चार या पांच क्वेश्चन एपी दे आंदे आ, उहदे विच मास्टर ग्रेडर ते इन्ने ईजी आंदे आ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पांदे आ, डायरेक्ट फॉर्मूले हैगे, मैनूं लगदा पांच छे सत्त कॉन्सेप्ट इदां दे आ जिहड़े तुहानूं आ गए ते एपी दा कोई क्वेश्चन जिहड़ा इदां दा है नहीं भी ना होवे। क्लियर, क्योंकि मैं देखे पिछले मास्टर ग्रेडर दे पेपर क्वेश्चन जिहड़े सब तो सौखा जो टॉपिक सब तो जल्दी कवर होण वाला उह सीगा एपी एंड जीके। सो ये क्वेश्चन तुम देख लेना, ये तुहाडी प्रैक्टिस लई सी, लास्ट वीडियो आ ऑन द स्ट्रेट लाइन, जे कुछ मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बाद लगेगा मैं होर ऐड कर दूंगी, इस तो बाद हुण असीं अगे मूव करांगे सर्कल पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स ते। सो इहनूं तुसीं ध्यान नाल कर लेना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जिन्नी हुंदी है, जिन्ने क्वेश्चन पिछे कीते उन्हां नूं भी बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस नाल ही होणे आ। स्ट्रेट लाइन नूं लिख लिख के नोट्स बना बना के प्रैक्टिस करो, ये बहुत जरूरी है, तां ही तुहाडे दिमाग च बैणगे। ठीक है, सो जे तुहानूं वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।